उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मेहरे में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आवागमन हुआ, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अनुसंधान केंद्र पर श्री दत्तोपन ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी के अवसर पर ठेंगड़ी भवन का लोकार्पण व 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और 46 कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान महाराष्ट्र के सवाल पर कहा कि अगर सरकार बनी तो हमें पूरा विश्वास है बहुमत भी साबित होगी। उस सरकार को बनाने का एक ही लक्ष्य है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में नहीं आती, क्योंकि शिवसेना ने दगाबाजी की, धोखा दिया और विश्वासघात किया। और जिस गठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया है, उसका अनादर करके ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया था जो नहीं करना चाहिए था। इस कारण ही परिस्थितियां हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है वहां सरकार बन जाएगी। ये समझता हूं कि अगर सरकार बनी है तो हमें पूरा भरोसा है कि बहुमत भी साबित होगी और उस सरकार को बनाने का लक्ष्य एक ही है। इस प्रकार की परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर नहीं आती, क्योंकि शिवसेना ने दगाबाजी किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया और जिस गठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश महाराष्ट्र की जनता ने दिया था उसका अनादर करके ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने को उन्होंने प्रयास किया था जो नहीं करना चाहिए था। इस कारण से ये परिस्थिति है और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ सरकार बन जाएगी।